गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 19 ऑफ मैथमेटिक्स, मनी। मनी मतलब पैसा। एवरीवन ऑफ यू मस्ट हैव बीन टू मार्केट। हम सभी लोग मार्केट मतलब बाजार जाते हैं। यू ऑल न्यू दैट वी नीड मनी टू बाई थिंग्स। तो वहाँ हमें कुछ भी चीज खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है। वी यूज मनी इन द फॉर्म कॉइन्स एंड नोट्स। हम मनी को सिक्के और नोटों की तरह काम में लेते हैं। कॉइन्स, अब यहाँ पे कॉइन्स मतलब सिक्के। 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे, ये सब पैसे पहले के ज़माने में चलते थे। 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज और 10 रुपीज अब भी चल रहे हैं। 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ और 5 और 10 रुपीज़ तो अभी भी चलते हैं। आपने नहीं देखा होगा, 5 पैसे, 10 पैसे ये पहले के ज़माने में चलते थे। ये हमारे क्या थे? सिक्के मतलब कॉइन्स थे। 25 पैसे कॉइन्स मेक 1 रुपीज़। अगर हम 25 पैसे जो होते हैं ये अगर 20 को जोड़े तो हमारा 1 रुपया बनता है। यहाँ पे 25 के कॉइन्स है वो हमारा क्या बना है? 1 रुपया। इनको सबको जोड़ के 1 रुपया बना है। इसी तरह 10 पैसे कॉइन्स में 1 रुपया। ये जो 10 पैसे हैं इसको हमें 10 पैसे को 10 तक ऐड करना है, जोड़ना है, तो हमारा कौन सा क्या बनता है? 1 रुपया, जिसको हम 1 रुपीज बोलते हैं। इसी तरह 20 पैसे कॉइन्स में 1 रुपीज। अगर हम 20 पैसे हैं, 5 20 पैसे जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है? 1 रुपीज। इसी तरह 425 कॉइन्स में 1 रुपीज। और 25 जो पैसे होते हैं अगर वो 4 बार हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है? 1 रुपीज। इन सबसे मिलके 1 रुपया बनता है। 50 पैसे कॉइन्स में 1 रुपीज। और जो ये 50 पैसे दिए गए हैं अगर ये 50 पैसे हम 2 50 पैसों को जोड़ते हैं तो भी हमारा 1 रुपीज बनता है। ओके, इसी तरह नोट्स जो आप सब जानते हो, कॉइन्स भी जानते हो, नोट भी जानते हो। 1 रुपी ऐसा नोट पहले के ज़माने में चलते थे, आज शायद कम देखने को मिलता है। 2 रुपीज़ ये भी कम देखने को मिलता है, पर ये 2 का नोट है और ये 1 का नोट है। 5 रुपीज़ ये तो अभी भी चलता है और अभी भी आप लोग देखते हो। 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200, 500 और 2000। आप सबने देखे हैं ये नोट, आप सब जानते हो और आप सबने देखे हैं और सब पहचानते हो कि कौन सा 100 का है, कौन सा 200 का है, कौन सा 500 और कौन सा 2000 का नोट है और कौन सा 50 है। ओके, समझ में आ रहा बच्चों? इसी तरह वी यूज रेफ फॉर रुपीज और पी फॉर पैसे। तो हमारा रुपीज का सिंबल क्या होता है? ये वाला हमारा रुपीज का सिंबल होता है। और पैसे का सिंबल क्या होता है? जो कॉइन्स होते हैं उन पे पी लिखा रहता है, जो हमारे रुपीज होते हैं उस पे ये सिंबल होता है। दस सो 10 पैसे इज रिटन एज 10p, 25 पैसे इज रिटन एज 25 पैसे, 1 रुपीज रिटन एज रुपीज 1, 2 रुपीज इज रिटन एज रुपीज 2, 5 रुपीज इज रिटर्न अस 5 एंड सो ऑन। तो आपको सब समझ में आ रहा है बच्चों कि मनी क्या होती है और पैसे क्या होते हैं, हमें क्यों इनकी जरूरत होती है। इसी तरह हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। आप कुछ यहाँ पे कॉइन्स दिए गए हैं, उनको हमें ऐड करना और कितने पैसे बनते हैं या कितने रुपीज बन रहे हमारे, वो हमको फिलिंग द ब्लैंक्स में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमें 20 प्लस 10 प्लस 5। अब 20 प्लस 10 को हम जोड़ते हैं तो 30 होता है, उसमें फिर 5 हम ऐड करेंगे तो उसमें कितना पैसा हो गया हमारा? कितने पैसे हुए? 35। इसी तरह 50 प्लस 25 प्लस 10, तो 50 और 20 दोनों मिलके बन रहे हमारे 75, और 10 और उसमें ऐड करेंगे तो कितने पैसे होगा हमारे? 85। तो हम यहाँ लिखेंगे 85। इसी तरह 20 प्लस 10 प्लस 10, 20 10 30 फिर 10 40, तो हमारे कितने पैसे हो गए? 40।
इसी तरह 20 प्लस 20 प्लस 25, तो 20 प्लस 20 40, 40 में हम 25 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 65। तो हमारे कितने पैसे हो गए 65। इसी तरह 50 प्लस 25 प्लस 20, तो 50 को हम 25 ऐड करेंगे तो हमारा 75 आएगा, 75 में हम फिर 20 ऐड करेंगे तो हमारे कितने पैसे हो जाएंगे 95। अब 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, अगर हम 10 10 के सिक्के 5 बार ऐड करते हैं तो हमारे कितने पैसे हो जाएंगे 50। इसी तरह 25 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5, अब 25 25 50, 50 में 10 ऐड करेंगे 60, 60 में 5 ऐड करेंगे तो 65। इसी तरह 20 20 प्लस 10 प्लस 5, ये आपको करना है कि कितना हो रहा है वो आपको लिखना है, नीचे के जो भी दिए हुए हैं वो आपको करना है। ओके, थैंक यू।